Hey everybody, welcome back to Parcham. I am Richa. आज हम कंटिन्यू करेंगे साउथ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स, फिजिकल मैप, फिजिकल ज्योग्राफी, आप इसको कुछ भी नाम दें. एक वीडियो पहले आ चुका है जिसमें हमने फिजिकल डिविजन्स पढ़े थे सारे, वेस्टर्न एंडीज, ईस्टर्न हाईलैंड, सेंट्रल लोलैंड, साउथ में डेजर्ट, पैटागोनियन डेजर्ट. अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप बाद में देख सकते हैं. आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम कवर करेंगे साउथ अमेरिका के आइलैंड्स, गल्फ्स एंड स्ट्रेट्स, रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स, डेजर्ट्स एंड ग्रासलैंड्स. तो ये एक इंडिपेंडेंट वीडियो रहेगा. पुराना वीडियो आपने देखा होगा तो थोड़ा एडिट एडवांटेज आपको मिलेगा, आपको सारी प्लेसिंग अच्छे से समझ में आएगी. लेकिन नहीं भी देखा है तो मैं वैसे भी समझाती चलूंगी, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट. सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद टुडे सेशन. फिजिकल फीचर्स पे मूव करें उससे पहले जल्दी से देख लेते हैं कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो 12 सॉवरन स्टेट्स यानी कि 12 कंट्रीज से मिलकर के बना है और साथ में 3 ओवरसीज टेरिटरीज भी इसके अंडर में आती हैं. ज्योग्राफिकली ये टेरिटरीज साउथ अमेरिका का हिस्सा है लेकिन पॉलिटिकली ये किसी और कंट्री के अंडर में पड़ती हैं. ठीक है, तो आपको ये 12 कंट्रीज तो पता होंगी, फटाफट से एक बार फिर भी देख लेते हैं बिकॉज बाद में कहीं भी मेंशन आएगा. रिवर्स हम पढ़ेंगे, ग्रासलैंड्स पढ़ेंगे, अगर आपको कंट्री की लोकेशन ध्यान है तो जल्दी से कवर हो जाएगा. ये देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ सॉरी ये इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा है. कौन कौन सी कंट्रीज हैं इक्वेटर पे, इसके आसपास? इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ऊपर चलो कोलंबिया से वेनेजुएला, गयाना, सरिनेम, फिर नीचे आओ पेरू, बोलीविया, इधर ये ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन जा रहा है, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और नीचे आ जाता है यूरुग्वे. सो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन दोनों ब्राज़ील से पास होते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये है फ्रेंच गयाना. फ्रेंच गयाना आपको देखने में लगेगा कि शायद एक कंट्री होगी और साउथ अमेरिका का हिस्सा, ये कंट्री नहीं है, ये ओवरसीज टेरिटरी है फ्रांस की. फ्रेंच गयाना नाम है इसका. फिर नीचे इधर आ जाइए, यहाँ पे आपको दो आइलैंड्स दिख रहे होंगे, एक है फॉकलैंड आइलैंड, ये रहा फॉकलैंड आइलैंड्स, ये यूके की टेरिटरी है. ये ज्योग्राफिकली इसमें काउंट होती है जब हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं, फॉकलैंड आइलैंड भी हम साथ में बात करते हैं, लेकिन दे आर ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम. फिर आता है साउथ जॉर्जिया आइलैंड एंड सैंडविच आइलैंड्स, ये भी यूके की टेरिटरी है. ओके, ज्योग्राफिकली इन साउथ अमेरिका, पॉलिटिकली इन यूनाइटेड किंगडम. सो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, 12 सॉवरन स्टेट्स या कंट्रीज एंड 3 ओवरसीज टेरिटरी. अब आगे बढ़े उससे पहले ओके सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू. पहली चीज़ के जो PDF हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं साउथ अमेरिका और एक हमने पहले पढ़ा, तो दोनों का ही कंबाइंड PDF आपको अवेलेबल होगा parchamclasses.in वेबसाइट पे. यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप जब PDF लेते हो तो आपको लिंक आपके ईमेल पे मिलता है, उस लिंक से PDF आप 24 आवर्स के अंदर ही डाउनलोड कर लिया कीजिए बिकॉज 24 आवर्स के बाद वो लिंक एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ता है वापस हमको. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए जब भी आप PDF लेते हो और आपको लिंक मिलता है मेल पे, प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक एंड डाउनलोड द PDF विद इन 24 आवर्स. ओके, नाउ अगर आपको इंडिविजुअल वेबसाइट चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगी, अगर आपको पूरा PDF बैंक चाहिए तो आपको ऐप पे मिल जाएगा जिसमें पूरे साल भर के जितने भी PDFs होंगे आपको मिलेंगे एक सब्सक्रिप्शन में. फिर प्रैक्टिस टेस्ट, यस, डेली के प्रैक्टिस टेस्ट हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो ऐप पे दिए जाते हैं. जैसे अभी मैं साउथ अमेरिका पढ़ा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद वहाँ पे आपको एक शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, तो दैट यू कैन गो एंड चेक आउट, एनीबडी कैन एक्सेस इट. सिमिलरली एक और चीज़ है जो वहाँ पे मिलेगी अब, मंथली करंट अफेयर्स 2020, आपको मंथली करंट अफेयर 2020 का फोल्डर मिल जाएगा, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर. एंड लास्टली परचम रोजगार यूट्यूब चैनल अभी तक नहीं देखा है, और अगर आप गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट जॉब्स के लिए भी ओपन हैं, तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉब में हैं और आप चाहते हो कि ऐसी वैकेंसीज आप तक पहुंचे, तो आप परचम रोजगार यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे जो भी करियर अपडेट्स होती हैं, करियर के लिए प्रिपरेशन होती है, यहाँ हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहाँ हम प्राइवेट एग्जाम, प्राइवेट नौकरियों की भी तैयारी करते हैं, रेज्यूमे, इंटरव्यू, दिस एंड दैट. ओके, चलो, सो कमिंग बैक टू साउथ अमेरिका. नाउ साउथ अमेरिका में अब हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले आइलैंड्स के साथ में. ठीक है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन और यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, बहुत से आइलैंड्स हैं. कौन सा आइलैंड किसके अंडर में आता है, किस चीज़ के लिए फेमस है, जो भी कुछ होगा वो हम देखते चलते हैं. सो अ नंबर ऑफ नोटेड आइलैंड ग्रुप्स आर देयर इन साउथ अमेरिका, और यहीं पे आपका पहला एक सवाल आ जाता है, बताइए ये तीन आइलैंड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, गैलापागोस, फॉकलैंड आइलैंड्स, ईस्टर आइलैंड एंड रॉबिन्सन क्रूजो, इनमें से कौन सा आइलैंड चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में एक अहम भूमिका निभाता है. आपने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में आप जानते होंगे, तो उसमें
कहाँ पे स्टडी की थी चार्ल्स डार्विन ने, जिसकी वजह से उनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनी थी, कौन सा आइलैंड है, जल्दी से खटखट कमेंट करके बताओ। चलो बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे पहला है गैलापागोस आइलैंड्स, ये रहा गैलापागोस आइलैंड इक्वेटर के पास में, थोड़ा इक्वेटर के ऊपर है थोड़ा इक्वेटर के नीचे है, और ये अगेन इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इक्वेडोर के अंडर में आते हैं, ये जो इक्वेडोर है ना इन्हीं के अंडर में आते हैं, इन्हीं की अथॉरिटी में आते हैं गैलापागोस आइलैंड्स। ओके नंबर वन। नाउ मूविंग ओवर टू फॉकलैंड आइलैंड्स, ये हमने बात करी ली, फॉकलैंड आइलैंड्स ओवरसीज टेरिटरी हैं यूके के, देन और इनको मालविनास भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है मालविनास। देन ईस्टर आइलैंड्स एंड रॉबिन्सन क्रूजो, ये देखो यहाँ पे ईस्टर आइलैंड्स पड़ते हैं, वेस्ट में हैं लेकिन ईस्टर आइलैंड्स हैं, और ये किन के अंडर में आते हैं, ये चिली के अंडर में आते हैं। तो देखो ईस्टर एक त्यौहार होता है, ईस्टर पे आपने चिली का बहुत कुछ बना दिया ताकि लोग कम खाएं, हाँ, सो ईस्टर आइलैंड्स आर अंडर द अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चिली। ठीक, यहाँ तक की भी बात समझ में आ गई। सो गैलापागोस एंड ईस्टर आइलैंड्स आर इन पैसिफिक ओशन, फॉकलैंड आइलैंड्स एंड साउथ जॉर्जिया एंड सैंडविच आइलैंड आर इन अटलांटिक ओशन। नाउ गैलापागोस आइलैंड्स, और आपको पहले क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ मिलेगा कि कौन सा आइलैंड है जो कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, गैलापागोस आइलैंड्स हैं, और क्योंकि इंपॉर्टेंस रखते हैं इनके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल कवर करेंगे। तो चलिए, ये इक्वेडोर है और ये आ जाते हैं गैलापागोस आइलैंड्स, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में बिखरे हुए हैं। इनको कोलंबस आर्किपेलेगो भी कहा जाता है, कोलंबस को एक तरह से इम्पोर्टेंस देने के लिए या उनकी उनकी वॉयज की एनिवर्सरी मनाने के लिए इस इन आइलैंड्स को ये नाम भी दिया गया था। आर्किपेलेगो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओके, इसमें 18 मेजर आइलैंड्स हैं, 3 छोटे आइलैंड्स और बहुत सारे आइलेट्स हैं, छोटे 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 आइलैंड्स हैं, और ये जो पूरा आर्किपेलेगो है ये वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, यानी कि यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और ये आइदर साइड ऑफ इक्वेटर पैसिफिक ओशन में फैले हुए हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे ये जा रहा है इक्वेटर, और यहाँ पे थोड़े आइलैंड्स इधर ऊपर भी आपको दिखेंगे और नीचे भी आपको दिखेंगे, फाइन ना। ये जो आर्किपेलेगो है पूरा, ये गैलापागोस ट्रिपल जंक्शन पे है। ट्रिपल जंक्शन मतलब यहाँ पे 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, और इसीलिए बहुत हाईली वोल्केनिक एक्टिविटी का भी है। 3 टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी हैं, पैसिफिक, नाजका और कोकोस प्लेट्स हैं जो यहाँ पे मिलती हैं, और इस ट्रिपल जंक्शन के ऊपर गैलापागोस आइलैंड्स फैले हुए हैं। अब ये जो आइलैंड्स हैं, इन्होंने चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी को बहुत सपोर्ट किया था, जो उनका कॉन्सेप्ट था नेचुरल सिलेक्शन का। ये क्या है, बहुत ब्रीफ में मैं बता देती हूँ। चार्ल्स डार्विन जब अपने पूरा स्टडी कर रहे थे और वो गैलापागोस आइलैंड्स पे पहुंचे, उन्होंने देखा बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, यानी आइलैंड्स हैं, उन पे जो स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की, सेम स्पीशीज़ अलग अलग आइलैंड्स पे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को उस आइलैंड के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है। पर्टिकुलरली फ्लिंचेस बर्ड्स हैं यहाँ की, जिनको कहते हैं फ्लिंचेस, और इन्हीं को नाम भी मिला डार्विन का, और इनको कहते हैं डार्विन फ्लिंचेस। तो इन्होंने देखा ये अडेप्ट हो गई हैं, देन ही थॉट के जो एनिमल या ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करता चलता है वो इवॉल्व होगा और वो वहाँ पे सर्वाइव करेगा, बाकी नहीं रहेंगे, दिस एंड दैट। इस तरह से उनकी थ्योरी पूरी आगे बढ़ी, कभी बाद में डिटेल में जाएंगे। अच्छा, फिर देख लीजिए गैलापागोस नेशनल पार्क है, यहाँ पे पूरा ये गैलापागोस नेशनल पार्क है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर में है। ये 1959 में एस्टैब्लिश हुआ था, और पूरे इक्वेडोर का पहला नेशनल पार्क है गैलापागोस नेशनल पार्क। आई रियली होप यहाँ तक भी हमें सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ओवर टू गल्फ्स। गल्फ क्या होती है, गल्फ होती है 3 तरफ से लैंड से घिरी हुई और एक तरफ से वाटर एंटर कर सकता है ना। जैसे हमने जब हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे थे तो हमने गल्फ ऑफ मैक्सिको पढ़ा था, गल्फ ऑफ कैरेबियन पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें गल्फ्स पढ़नी है, और वो पढ़ने से पहले अगेन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। उस पूरे वीडियो में आपको 5-6 क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर भी यहीं मिलते जाएंगे और क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे। तो टेस्ट करते चलिए, कुछ पहले से पता है नहीं पता नहीं तो ट्राई करिए, गलत हो तो भी कोई बात नहीं, आंसर मिलेगा फिर। सो क्वेश्चन आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ, ऐसा कौन सा स्ट्रेट है, स्ट्रेट जो कि दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। हमने स्ट्रेट्स पढ़े थे वर्ल्ड के। सो ऐसा कौन सा नेचुरल स्ट्रेट है जो कि साउथ अमेरिका में है और अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। उस स्ट्रेट का नाम बताइए साउथ अमेरिका के, जो कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, नेविगेबल स्ट्रेट है। जल्दी से नाम बताओ, आंसर मिलेगा बाद में। चलिए अब हम आते हैं गल्फ्स पे। सो पहली जो हमें गल्फ देखनी है वो है गल्फ ऑफ गयानिल, गल्फ ऑफ गयानिल। अब उसके लिए आई नीड टू जूम थिंग्स अ बिट सो दैट यू आर एबल टू सी।
देखिए यहाँ पे, ये इक्वेडोर वाला हिस्सा है और इस पे ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज गल्फ ऑफ गयानल। यहाँ से पानी एंटर कर जाता है, यहीं से बाहर भी सर्कुलेशन होता रहता है। सो गल्फ्स में आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो गल्फ है वो कहाँ पे बन रही है, कौन सा ओशन है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, कभी पूछ लिया जाए तो यू शुड बी नोइंग अबाउट थिंग्स। ओके, सो गल्फ ऑफ गयानल जो है वो वेस्ट ऑफ इक्वेडोर में पैसिफिक ओशन पे बन रही है, ये रही लोकेशन। फाइन, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गल्फ ऑफ पिनास। गल्फ ऑफ पिनास ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया ना, इसमें ये देखो, दिस इज गल्फ ऑफ पिनास। और अगेन पैसिफिक ओशन में कंट्री कौन सी है, यहाँ पे कौन सी कंट्री आती है, चिली। सो चिली के वेस्टर्न कोस्ट पे बनता है ये। फिर हम आते हैं गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज एंड गल्फ ऑफ सैन मार्टियास। सो ये रहा सैन जोस, ये रहा सैन मार्टियास। आई रियली होप आपको विजिबल होगा। अब इसको याद रखने के लिए कि सैन जॉर्ज नीचे है एंड सेंट मार्टियास ऊपर है, तो एम जे माइकल जैक्सन है ना, एम जे देख लीजिए, मार्टियास ऊपर होगा, जॉर्ज नीचे होगा। एंड दे आर ऑन कौन सी कंट्री है ये पूरी, अर्जेंटीना। कंट्री इसलिए हेल्प करती है, अगर आपको मैप याद होगा ना तो चीज़ें याद करना ईजी हो जाता है, बस और कुछ फंक्शन नहीं है इसका। जैसे पिनास हम याद कर रहे हैं, तो अगर आपने चिली खाई है तो आपको पानी पीना पड़ेगा, तो आप पिनास याद रख सकते हो। अर्जेंटीना, अर्जेंटली माइकल जैक्सन को कहीं जाना है, तो अर्जेंटीना में सेंट मार्टियास और सेंट जॉर्ज गल्फ्स पड़ती हैं। और इस साइड पैसिफिक ओशन है आपको पता है, इस साइड अटलांटिक ओशन है आपको पता है, ठीक है। इस तरह से आप चीज़ें याद रख सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं स्ट्रेट्स एंड पैसेजेस पे, यहाँ पे आपको आंसर भी मिलेगा आपके पिछले क्वेश्चन का। सो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स एंड पैसेजेस में हमें दो पढ़ने हैं, एक आएगा स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। कौन सा स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। फर्डिनेंड मैगेलन की पूरी टीम ने इस स्ट्रेट को खोजा भी था और इसको ट्रैवल भी किया था, और उन्हीं के नाम पे स्ट्रेट का नाम रख दिया गया स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। और ये कहाँ पड़ता है, ये बिल्कुल साउथ अमेरिका के भी साउथ में पड़ेगा। सो ये देखो, ये साउथ अमेरिका है और यहाँ पे आता है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, ये रहा, ठीक है। और इस साइड अटलांटिक ओशन है, इस साइड पैसिफिक ओशन है, तो ये अटलांटिक ओशन हो गया, ये पैसिफिक ओशन हो गया। और ये देखो बिल्कुल साउथ में पड़ रहा है ना, तो पूरे साउथ अमेरिका को ये एक तरह से सेपरेट आउट कर रहा है, टियरा डेल फ्यूगो, ये जो रीजन है नीचे वाला, इससे। और बिल्कुल साउथ में जो पड़ता है मेन लैंड के ऊपर, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है साउथ अमेरिका, दैट इज कॉल्ड केप हॉर्न। क्या कहा जाता है उसको, केप हॉर्न, ये रहा केप हॉर्न। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो थोड़ी मैप पे प्लेसिंग आप ध्यान रखोगे तो हेल्प करेंगी। चलिए तो मैगेलन स्ट्रेट फटाफट से देख लेते हैं। नेविगेबल सी रूट है सदर्न चिली में, ये पूरा चिली है, ये वाला जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो, दिस इज चिली, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ऊपर अर्जेंटीना, ये पूरा चिली चल रहा है। सो सदर्न चिली में, जो कि मेनलैंड साउथ अमेरिका को टियरा डेल फ्यूगो से सेपरेट करता है, तो दो लैंड मासेस को सेपरेट करेगा और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगा, तो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करा, उसी को स्ट्रेट बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल पैसेज है इन दो ओशंस के बीच में, पहली बार डिस्कवर और ट्रेवर्स किया था स्पैनिश एक्सपेडिशन ऑफ फर्डिनेंड मैगेलन ने 1520 में, जिनके बाद इसका नाम पड़ा है। ओके, चलो ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं एक पैसेज पे जिसका नाम है ड्रेक पैसेज। ये हमने पढ़े हैं पहले जब हम ओशंस पढ़ते थे, जब हमने अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन पढ़ा था, तो ड्रेक पैसेज भी पढ़ा था हमने, मैगेलन स्ट्रेट भी पढ़ा था। वीडियोस नहीं देखे हो, देखना चाहते हो तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो अब देखो, ये यहीं से समझो, अभी ये साउथ अमेरिका है और यहाँ नीचे मतलब साउथ अमेरिका के नीचे कौन सा कॉन्टिनेंट आएगा, एंटार्क्टिका आएगा, या सदर्न ओशन शुरू हो जाता है ना। तो ये रहा साउथ अमेरिका और यहाँ पे ये नीचे एंटार्क्टिका होगा, ये पूरा सदर्न ओशन चालू हो गया। तो पैसिफिक, अटलांटिक और सदर्न ओशन के बीच में ये जो पूरा पैसेज आप देख रहे हो, इट इज़ कॉल्ड ड्रेक पैसेज। व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ड्रेक पैसेज। यहाँ देखिए, सो दिस इज अर्जेंटीना, सॉरी ये रहा है ना, ये पूरा चिली आ गया, ये वाला पोर्शन अर्जेंटीना का आ गया, और ये पूरा ड्रेक पैसेज है। ये नीचे सदर्न ओशन आ जाता है, सदर्न ओशन में भी ये जो आप आइलैंड्स देख रहे हो, साउथ शेटलैंड आइलैंड्स है, एंटार्क्टिका का हिस्सा है। सो साउथ अमेरिका
एंटार्क्टिका के बीच में वाटर्स जो हैं उनको कहा जाता है ड्रेक पैसेज। एंड यहाँ पे क्योंकि लैंडमास की कमी है तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, बहुत अनड्यूलेटिंग वाटर्स हैं। ये वन ऑफ द डेंजरस वाटर्स इन द वर्ल्ड कहलाते हैं बिकॉज बहुत उफान रहता है यहाँ के पानी में। ओके सो ये कौन से दो लैंडमासेस के बीच में है? साउथ अमेरिका के केप हॉर्न जो कि चिली का पार्ट है एंड साउथ शेटलैंड आइलैंड्स ऑफ एंटार्क्टिका, इनके बीच के वाटर्स को ड्रेक पैसेज कहा जाता है। आई होप यहाँ तक भी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम आ जाते हैं रिवर्स पे। जब हमने साउथ अमेरिका के फिजिकल डिविजन्स किए थे तब हमने बात की थी कुछ एक रिवर्स की, लेकिन हमने सिर्फ ऊपरी तौर पे बात की थी कि ठीक है ओरिनोको रिवर होगी, अमेजोन होगी, पैराना पैराग्वे सिस्टम होगा, थोड़ा थोड़ी बात की थी। अब हम थोड़ा ढंग से इनको देख लेते हैं। तो देखो जो साउथ अमेरिका है उसमें 4 मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स हैं। ड्रेनेज सिस्टम की जब हम बात करते हैं मतलब नदी और उसकी सहायक नदियां सब मिला करके रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब 4 इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम है। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है ये अमेजॉन ड्रेनेज सिस्टम, है ना। अमेजॉन सबसे बड़ी नदी है और ये पूरा सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। सेकेंड नंबर पर जो सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है वो है ये पैराग्वे पराना यूरुग्वे सिस्टम, जो कि बाद में जाके एक एस्चुरी बना लेते हैं। सब समझाऊंगी, पहले भी पढ़ा है, वापस से टच अपॉन करेंगे। सो ये है पैराग्वे पराना यूरुग्वे सिस्टम। थर्ड नंबर पे आ जाता है ये वाला सिस्टम विच इज कॉल्ड ओरिनोको रिवर सिस्टम। ओरिनोको, जिन बच्चों ने पहला वाला वीडियो देखा होगा ये नाम थोड़े आपको फटाफट मुंह पे आ रहे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा डू नॉट वरी, नाम आपके लिए नए हो सकते हैं पर इस वीडियो के एंड तक आपको सब समझ में आ जाएगा। और फोर्थ जो हमें पढ़ना है वो ये है साओ फ्रांसिस्को रिवर, साओ फ्रांसिस्को रिवर। सो ये 4 रिवर सिस्टम है, ये सबसे बड़ा है, ये सेकेंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है और ये फोर्थ नंबर पे है। और ये चारों मिलके 2/3 ऑफ द कॉन्टिनेंट को घेर लेते हैं, यानी 2/3 हिस्सा साउथ अमेरिका का ये ड्रेनेज सिस्टम से घिरा हुआ है। बाकी और रिवर्स भी हैं नीचे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो हैं जो कि मेजर ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं वो ये 4 हैं। अब एक एक करके हम इन चारों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अमेजॉन रिवर सिस्टम से। अमेजॉन रिवर सिस्टम देखो, हमने जूम्ड इमेज ले ली है। सो ये पूरा जो आपको ग्रीन ग्रीन हिस्सा दिख रहा है, मेजॉरिटी ऑफ इट पूरा, हाँ ये पूरा अमेजॉन का ड्रेनेज एरिया है, बेसिन है। यहाँ यहाँ तक इसका पानी पहुँचता है और ये पूरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। यहाँ से देखो इक्वेडोर है ना, यहाँ से इक्वेटर भी जाता है। गर्मी ज़्यादा, बारिश ज़्यादा, जंगल, नदी भी है यहाँ पे, तो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई। टिपिकल जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है वो यहाँ पे है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे। और बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई है, पानी क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो मार्शी लैंड्स भी हैं, फॉरेस्ट्स भी हैं, ये पूरा यहाँ का बायोम है। चलो सो अमेजॉन की बात करें तो लार्जेस्ट रिवर है पूरी दुनिया में वॉल्यूम के हिसाब से। लेंथ की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है आफ्टर नाइल या नील नदी के बाद में। लेकिन कुछ जियोलॉजिस्ट और ज्योग्राफिस्ट का ये भी मानना है कि अमेजॉन जहाँ से निकलती है वो एंडीज में बहुत आगे से निकलती है, तो अगर आप इसकी टोटल लंबाई देखोगे तो ये नाइल से भी लंबी है। लेकिन अभी तक एग्जैक्ट लेंथ इसकी इस्टेब्लिश नहीं हुई है, इसलिए ऑन रिकॉर्ड्स ऑन पेपर्स नाइल नदी या नील नदी जो है वो सबसे लंबी है और उसके बाद में अमेजॉन आती है। 6400 किलोमीटर लेंथ है इसकी। अब इसकी अगर हम सोर्स की बात करें कि अमेजॉन निकलती कहाँ से है, तो देखो जैसे गंगा के हेड वाटर्स है ना, यानी कि गंगा नाम बाद में पड़ता है, पहले हेड वाटर्स स्टार्ट होते हैं, इसी तरह से जो अमेजॉन नदी है इसके भी 2 हेड वाटर्स हैं। यानी कि जब ये नदी निकलती है पहाड़ियों से तब अमेजॉन नाम से नहीं निकलती, इसके हेड वाटर्स दूसरे नाम से जाने जाते हैं। तो जैसे गंगा की हम बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा 2 हेडवाटर्स आते हैं और बाद में मिलकर गंगा बनाते हैं ना। गंगा भी ये पास से मैंने ऐसे याद करवाया था, भागीरथी आती है वहाँ से, अलकनंदा आती है, दोनों मिलती हैं और फिर आगे जाके गंगा बनती है। जहाँ मिलती है संगम पे वहाँ से गंगा नाम शुरू होता है। इसी तरह से 2 हेडवाटर्स कौन से हैं अमेजॉन के? मैरनॉन रिवर एंड उकयाली रिवर। मैरनॉन उकयाली रिवर मू, अमेजॉन का मू। मू कहाँ है? एंडीज में है। अब देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, लेट मी जूम इट, आपको और अच्छे से देखना चाहिए। ये देखो ये मैरनॉन रिवर यहां से चालू हो रही है और ये एंडीज है, एंडीज माउंटेन्स, और पेरू में पड़ रहे हैं तो इसको पेरूवियन एंडीज कह दिया जाता है, ठीक है। तो एंडीज में ये मैरनॉन नदी चालू होती है,
बाहर निकलती है इंडीज से गौज बनाती हुई, और यहाँ से ये उकायाली नदी चालू होती है और ये यहाँ आके इधर मिलते हैं दोनों। यहाँ से मैरनॉन आ रही है, यहाँ से उकायाली आ रही है, दोनों मिलते हैं। और अब जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनका नाम पड़ता है अमेज़न नदी। तो जो लंबाई देखी जाती है ना अमेज़न की, वो इन दोनों के मिलने के बाद से देखी जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो हेड वाटर्स कौन से अमेज़न के? मैरनॉन एंड उकायाली नदियाँ, और ये दोनों आके मिलती हैं और फिर अमेज़न नाम पड़ता है, और अमेज़न पूरी चलती चलती और यहाँ जा करके और फिर आगे अटलांटिक ओशन में गिर जाएगी। गॉट द थिंग? चलिए, सो यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि कहाँ से शुरू होती है। सेंट्रल पेरुवियन एंडीज से शुरू होती है। हेड वाटर्स मैरनॉन एंड उकायाली रिवर्स हैं। एंडीज से जब ये बाहर निकलती है तो एक नैरो कैनियन यानी कि गॉर्ज बनाती हुई निकलती है। उसका नाम क्या है? पोंगोज। क्या नाम है? पोंगोज। अमेज़न नदी सबसे बड़ी नदी है ना दुनिया की, इससे पंगा नहीं लेना, बहा के ले जाएगी। तो पंगा नहीं लेना, तो पोंगोज ये जो गॉर्ज बनाती है पहाड़ों से निकलते टाइम, पहाड़ियों को काटती हुई जो निकल के आती है, गॉर्ज या कैनियन बनाती है, उसको बोलते हैं पोंगोज। तो पंगा से आप पोंगोज याद रख सकते हो। अब देखो, गयाना हाइलैंड्स, GUY, गयाना हाइलैंड्स और ब्राज़ीलियन हाइलैंड्स के बीच में से ये होती हुई जाती है। तो यहाँ पे गयाना हाइलैंड्स आते हैं, यहाँ पे ब्राज़ीलियन हाइलैंड्स आएंगे और उनके बीच में से नदी जा रही होती है। मैप थोड़ा याद है? आई रियली होप आपको याद हो। देखो इधर आओ, ये पूरे गयाना हाइलैंड्स, ये ब्राज़ीलियन हाइलैंड्स, और ये बीच में से अमेज़न नदी जा रही है। और ये जो गयाना हाइलैंड्स है, ये ओरिनोको नदी और अमेज़न नदी के बीच में पड़ते हैं। ठीक है, तो ओरिनोको, फिर गयाना हाइलैंड्स, फिर अमेज़न, फिर ब्राज़ीलियन हाइलैंड्स। ऐसे लोकेशन समझ में आ गई? चलो, इसमें कोई ट्रिक टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि अगर आपकी आंखों के सामने मैप है, कोई पिक्चर है, तो ये अपने आप में निमोनिक का काम करती है। विजुअल चीज़ें दिख गई तो विजुअल मेमोरी ही हम क्रिएट करते हैं निमोनिक से भी। चित्र दिख रहा है तो किसी टेक्निक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए, सो माउथ कहाँ है इसका? कहाँ जाके मिलती है, कौन से ओशन में? अटलांटिक ओशन में। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो कि पूरा साउथ अमेरिका का पूरा अमेज़न बेसिस घेरे हुए हैं, बेसिन घेरे हुए हैं। और इस पूरे रीजन को, ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनको क्या कहते हैं? सेल्वाज। क्या कहते हैं? सेल्वाज। फाइन, तो सेल्वाज आपको ध्यान रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोम है सेल्वाज, जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न बेसिन जो बनाते हैं पूरा, उनको कहते हैं सेल्वाज। ऊपर हमने पढ़े थे लानोज, ये सब पहले वीडियो में हमने पढ़ा था। चलो, अब हम आ जाते हैं पैराग्वे, पराना एंड यूरुग्वे रिवर सिस्टम पे। तो पहले दिखा देते हैं हम आपको यहाँ पे, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो, ये मैप है। इस मैप में ये वाला जो हिस्सा है, ब्राज़ीलियन प्लेट्यू से नदियाँ निकलेंगी और मिलकर के फिर यहाँ पे अटलांटिक ओशन में एस्चुरी बनाती हुई मिल जाएंगी। अब यहाँ से समझो, ओके, यस, सो ये है पूरे ब्राज़ीलियन हाइलैंड्स। ये माटो ग्रोसो जो है प्लेट्यू, ये भी ब्राज़ीलियन हाइलैंड का ही हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ से ये देखो, ये निकल रही है पैराग्वे नदी। कौन सी नदी निकली? पैराग्वे, पैराग्वे, पैरागॉन चप्पल आती थी ना पहले, पैराग्वे नदी। यहाँ से ब्राज़ीलियन हाइलैंड से ही निकलती है पराना नदी। और ये बीच में जो आपको ये वाटर बॉडी दिख रही है ना, ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि मैं बाद में वापस पढ़ाऊंगी, ये एक वाटरफॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। इसको बोलते हैं इग्वाज़ू वाटरफॉल, इग्वाज़ू वाटरफॉल। तो कौन सी नदी पे बन रही है? पराना रिवर पे बन रही है। चलिए, सो यहाँ से पैराग्वे रिवर निकली माटो ग्रोसो से, जो कि ब्राज़ीलियन हाइलैंड का ही हिस्सा है। और फिर यहाँ ईस्टर्न साइड ऑफ ब्राज़ीलियन हाइलैंड से निकली पराना, ये मिलती हैं और पराना की तरह आगे बढ़ती हैं। इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? पराना। तो पैराग्वे इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ पराना। ठीक है, पैराग्वे पराना में मिलती है। जो नदी अपना नाम कंटिन्यू रखती है वो मेन नदी होती है, बाकी सहायक नदी बन जाती है। फिर आप यहाँ देखिए, यहीं हाइलैंड से आ रही है यूरुग्वे रिवर। कौन सी रिवर है ये? यूरुग्वे, ईस्टर्न साइड ऑफ पराना से आती है। पैराग्वे वेस्ट ऑफ पराना से आती है, यूरुग्वे ईस्ट ऑफ पराना से आती है। फिर ये दोनों यहाँ मिलते हैं और यहाँ पे ये एस्चुरी बनाते हैं। एस्चुरी यानी कि फ्रेश वाटर, नदियों का भी मिल रहा है और सी का खारा पानी भी मिल रहा है, तो यहाँ पे ये एस्चुरी बनती है। ओके, और फिर ये एस्चुरी रियो डे ला प्लाटा, एस्चुरी का नाम क्या है अभी लिखा हुआ है, रियो डे ला प्लाटा एस्चुरी बनाती है। बस इतना सा सिस्टम है ये, इसमें और सारी सहायक नदियाँ जुड़ती हैं पर इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो पैराग्वे,
पराना यूरुग्वे ड्रेनेज सिस्टम, और जो एस्चुरी बनती है उसको बोलते हैं रियो दे ला प्लाता, रियो दे ला प्लाता। चलो पढ़ लेते फटाफट से, कुछ भी नहीं है इसमें। ऑलराइट, सो पैराग्वे रिवर माटो ग्रोसो रीजन में अराइज होती है ब्राजील के, और पराना रिवर में जाके एम्प्टी हो जाती है यानी मिल जाती है। तो पैराग्वे ट्रिब्यूटरी है किसकी, पराना रिवर की। फिर यूरुग्वे रिवर शॉर्टेस्ट रिवर इन तीनों में, सबसे छोटी है, और पराना के ईस्ट में बहती है, और पराना यूरुग्वे फिर मिलते हैं और मिल करके रियो दे ला प्लाटा में चले जाते हैं। वो एक एस्चुरी है, एक एस्चुरी बना लेते हैं साउथ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे यूरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में। यूरुग्वे पड़ रहा है ऊपर, अर्जेंटीना पड़ रहा है नीचे, और बीच में रियो दे ला प्लाटा एस्चुरी बनी हुई है। अब ये दो सिटीज़ हैं या कैपिटल सिटीज़ हैं जो कि इस एस्चुरी के शोर्स पे यानी बॉर्डर्स पे पड़ती हैं, उन सिटीज़ का नाम याद रखेंगे हम, मोंटेविडियो एंड ब्यूनोस एरिस। एक दोनों कैपिटल सिटीज़ हैं। अब मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, बताओ चलो अगला क्वेश्चन आ गया। मोंटेविडियो कौन से कंट्री की कैपिटल है, ब्यूनोस एरिस कौन से कंट्री की कैपिटल है, और ये दोनों जो कैपिटल सिटीज़ हैं ये रियो दे ला प्लाटा के शोर्स पे यानी किनारों पे बसी हुई हैं। ओके, ये भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं ओरिनोको रिवर बेसिन पे। ओरिनोको और साउथ फ्रांसिस्को जल्दी से पढ़ लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो देखिए, ओरिनोको गयाना हाईलैंड से निकलती है, जो पहला सर्कल आपको दिख रहा है ये पूरा ओरिनोको रिवर बेसिन या ड्रेनेज है। यहाँ से ये गयाना हाईलैंड है, और यहाँ से ओरिनोको शुरू होती है, और यहाँ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें आके मिलती हैं, यहाँ पे ये डेल्टा बनाती है और अटलांटिक ओशन में मर्ज हो जाती है। सो ये जो पूरे एरिया है ग्रासलैंड है जहाँ से बहती हुई जाती है ग्रासलैंड्स ये। अच्छा, अब एक चीज़ समझो, जितने भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, उनको क्या कहा जाता है, सवाना। क्या कहते हैं, सवाना। और टेम्परेट ग्रासलैंड जो ट्रॉपिकल क्या होता है, जो इक्वेटर के आसपास जो ट्रॉपिक्स पे पड़ेगा, और टेम्परेट ग्रासलैंड्स को बोलते हैं स्टेपीज। क्या बोलते हैं, स्टेपीज। ये हम पूरा ग्रासलैंड अलग से कवर करेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लो, क्योंकि कई जगह सवाना लिखा हुआ आएगा, कई जगह स्टेपीज आएगा। सवाना में कई जगह आपको लानोज मिलेगा, कई जगह आपको कुछ और दिखा हुआ मिलेगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सवाना एक कॉमन टर्म है जो कि अगर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है तो उसको ऐसी सवाना बोल देते हैं, ठीक है, और अगर टेम्परेट ग्रासलैंड है तो उसको स्टेपी बोल देते हैं। अब वो स्टेपी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अलग अलग कंट्री के हो सकते हैं, और सबके अपने नाम होते हैं फिर। ओके, चलिए, तो हम कहाँ थे, हम थे ये जो पूरी ओरिनोको रिवर है, ये ओरिनोको जो रिवर है ये इस पूरे वास्ट ग्रासलैंड से जाती है जिसको सवाना कहते हैं। अभी सवाना क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, क्योंकि देखो यहाँ से क्योंकि इक्वेटर पास हो रहा है तो ये पूरा ट्रॉपिकल एरिया हो गया, तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड होंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहलाएंगे। और फोर्थ मेजरली वेनेजुएला से पूरा ये जो ग्रासलैंड एरिया है या ये जो पूरा बेसिन है ओरिनोको रिवर का मेजरली वेनेजुएला में है, थोड़ा पार्ट इसका कोलंबिया में भी है। ओके, और ये एक डेल्टा बना करके अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। और यहाँ के ये जो पूरा ग्रासलैंड रीजन है, जो बेसिन है, इसको बोलते हैं लानोस। क्या बोलते हैं, लानोस। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, सो ओरियोला से हमने इसको याद किया था, ओरियोला। तो ओरिनोको का जो बेसिन है पूरा ग्रासलैंड्स का, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का, उसको बोलते हैं लानोस। डन, चलो आ जाओ नीचे साउथ फ्रांसिस्को रिवर पे। अब साउथ फ्रांसिस्को फोर्थ लार्जेस्ट सिस्टम है पूरी की पूरी ब्राज़ील के अंदर। ये देखो, यहाँ से शुरू हुई और ये घूमती घामती चली गई। सो साउथ फ्रांसिस्को ज़्यादा कुछ तंग नहीं करेगी, ब्राज़ील से शुरू होती है और अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है। ये चार रिवर सिस्टम्स थी। नाउ मूविंग ओवर टू वाटरफॉल्स। साउथ अमेरिका वाटरफॉल्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, बिकॉज दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे लंबा अनइंटरप्टेड वाटरफॉल है एंजल फॉल्स वेनेजुएला में, जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। अब उसके अलावा भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, तो हम जल्दी से वो देख लेते हैं। ये वेनेजुएला है और यहाँ पे ये एंजल फॉल्स की लोकेशन है, ये एंजल फॉल्स का रियल इमेज शो हो रहा है। सो एंजल फॉल्स वेनेजुएला में पड़ता है, वेनेजुएला में भी कहाँ पे, वेनेजुएला में बोलिवार स्टेट में ये पड़ता है। ओके, और अब ये तो आपको पता है इतनी हाइट पे है, 979 मीटर है, पिछले वीडियो में क्योंकि हमने देख लिया था वर्ल्ड का टॉलेस्ट है।
अब बात आती है कौन सी नदी, दो चीजें हमें देखनी है, कौन सी रिवर है जो ये वाटरफॉल बनाती है और ये कौन से प्लेट्यू से गिरता है। ओके सो कौन सी रिवर बनाती है, पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और आप में से कई बच्चों ने लिखा रिवर चुरुन और मैंने आपको बताया था रिवर कैरनी या करोनी। सो अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो वाटरफॉल है ये रिवर चुरुन बनाती है जो कि एक ट्रिब्यूटरी है रिवर कैरनी की। और ये रिवर कैरनी का क्या लिंक है आगे फर्दर किससे है, ये फर्दर एक ट्रिब्यूटरी है ओरिनोको रिवर की। ठीक है, तो ओरिनोको रिवर जो हमने देखी थी ऊपर गयाना हाइलैंड्स के वेस्ट में, तो उस ओरिनोको रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है कैरनी रिवर, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है चुरुन रिवर और ये वाटरफॉल बनाती है। तो आपको एग्जाम में चुरुन या कैरनी में से कोई भी ऑप्शन मिले यू कैन पिक। ओके देन अब कौन से प्लेट्यू हैं जिन पे से ये गिरती है, यानी कि जैसे ये प्लेट्यू है इस पे से गिर रही है तो ये प्लेट्यू का नाम क्या है, ये नेक्स्ट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। तो जो वाटरफॉल है ड्रॉप्स फ्रॉम ओयांतेपुई माउंटेन इन कनायमा नेशनल पार्क, ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे वाटरफॉल्स बनते हैं उसको बोलते हैं कनायमा नेशनल पार्क। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बोलिवार स्टेट वेनेजुएला में। तो कनायमा नेशनल पार्क के ओयांतेपुई माउंटेन से ये गिरती है। ओयांतेपुई, ओ या दिखा मुझे इतना ऊपर है वो, ऐसे याद रख सकते हो, हमने बोला देखो वो कहाँ से गिर रहा है एंजल फॉल, आपने ऊपर मूव किया ओ या ओयांतेपुई माउंटेन। सो एक छोटा सा हिंट है बट प्रॉब्ली आपको हेल्प कर जाएगा ये माउंटेन याद रखने में, कनायमा नेशनल पार्क। ओके दूसरी अगर वाटरफॉल्स की बात करें, इगुआजू फॉल्स याद करवाया था थोड़ी देर पहले, पनामा रिवर पे बनता है इगुआजू फॉल्स। सो इगुआजू फॉल्स अर्जेंटीना में ब्राज़ील के बॉर्डर के पास में पराना रिवर सिस्टम, मैंने पनामा बोला था अभी थोड़ी देर पहले क्या, शायद पराना रिवर सिस्टम इसको बनाती है। एंड इगुआजू वाटरफॉल्स लार्ज वाटरफॉल्स हैं, जो पूरा कर्टन बनता है ना वाटरफॉल से जब पानी गिरता है तो एक पर्दे जैसा बन जाता है, बीच में गैप्स नहीं है, तो लार्जेस्ट कर्टन साउथ अमेरिका में ये फॉल्स बनाते हैं, ह्यूज फॉल्स हैं। सो इगुआजू वाटरफॉल्स याद आप रखोगे अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बॉर्डर पे बनते हैं और कौन सी रिवर बनाती है, पराना रिवर बनाती है। फिर हम आते हैं गुआयरा फॉल्स, गुआयरा फॉल्स भी अगेन पराना रिवर ही बनाती है, ब्राज़ील और पैराग्वे पे बनते हैं। तो देखो गुआ जो आ रहा है ना इगुआजू गुआयरा, तो ये जो गुआ गुआ वर्ड आ रहा है इसको आप पराना रिवर से जोड़ लो कि ये जो फॉल्स होंगे इगुआजू गुआयरा फॉल्स ये सब पराना रिवर बनाती है। और पराना का आपको थोड़ा आइडिया है, ब्राज़ील से निकलेगी, इधर पैराग्वे है, नीचे फिर अर्जेंटीना वाला हिस्सा है, तो आप रिलेट कर सकते हो। फिर एक वाटरफॉल है कैटराटा गॉक्टा जो कि पेरू में है और अमेजॉन रिवर सिस्टम पे बनता है, पेरू जो ब्राज़ील है इसके वेस्ट साइड में बनता है आता है। सो कौन सी रिवर है, कैटराटा गॉक्टा, कैटराटा, तो पेरू को हम काटते हैं ना, पेरू अमरूद को बोलते हैं महाराष्ट्र साइड में, तो आप काटते हो तो कैटराटा गॉक्टा ये पेरू के अंदर बनता है वाटरफॉल अमेजॉन रिवर पे है। ठीक है, अब आपको कंट्री पता चल जाए या याद रह जाए तो रिवर का अंदाजा तो लगा सकते हो, पूरा रिवर सिस्टम हमने कर लिया है क्योंकि। सो दीज वर द वाटरफॉल्स कमिंग ओवर टू ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ओके अब हम ग्रासलैंड्स पे आ रहे हैं, ग्रासलैंड में पहले हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखेंगे फिर हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखेंगे। तो देखो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यूजली आपको इस हिस्से तक देखने को मिलेंगे और यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। सो जहाँ से इक्वेटर जा रहा है इक्वेटर से ऊपर और नीचे का हिस्सा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स वाला होगा। अब इसमें ना एक बार मोटे मोटे तौर पे लोकेशन समझ लो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की, फिर हम प्रिसाइज पढ़ने पे जाएंगे। देखो एक तो ये वाला हिस्सा ग्रासलैंड्स का है लानोस, जो कि गयाना हाइलैंड्स के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है। फिर तो ये हमें पढ़ना है, एक तो लानोस ये ट्रॉपिकल सवाना रीजन है, लानोस कहलाता है, ओरिनोको रिवर बेसिन है। फिर हमने ये पूरा पढ़ा अमेजॉन बेसिन, इसको कहते हैं सेल्वास और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ ये जो ब्राज़ीलियन हाइलैंड्स हैं इसमें ये अधिकतर जो हिस्सा है सिराडो रीजन, ये भी सवाना है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, और इनको क्या बोलते हैं सिराडो, ये देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ये जो येलो येलो कलर आपको दिख रहा है दिस इज सिराडो। ब्राज़ील का अधिकतर हिस्सा जो सेंट्रल रीजन है वो सिराडो से घिरा हुआ है, सिराडो इज नथिंग बट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। उसके बाद जो ये आपको ईस्टर्न साइड जो दिख रहा है इसको बोलते हैं काटिंगा,
काटिंगा, ये भी ग्रासलैंड्स हैं लेकिन ये थॉर्नी स्क्रब्स हैं, ओके। इनको नाम क्या दिया हुआ है, काटिंगा। तो ये सब ग्रासलैंड्स के टाइप हैं बट नाम वेरी करेंगे, लानोस, सेल्वास, सिराडो, काटिंगा। यहाँ तक समझ में आ गया। और ये बीच में जो सेल्वास हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, बाकी ये सारे ग्रासलैंड्स हैं। अब देखिएगा, ये जो आपको ग्रैंड चाको दिख रहा है लिखा हुआ, ये सेमी एरिड फॉरेस्ट हैं अगेन, ठीक है। यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश नहीं होगी, ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं बिकॉज इक्वेटर से थोड़े दूर हो गए, है ना। और यहाँ पे एंडीज बहुत वाइड हैं, बोलीवियन प्लेट्यू आ जाता है, ये थोड़े शेड एरिया में भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है, थोड़े आपको सेमी एरिड फीचर्स देखने को मिलेंगे, स्क्रब ज़्यादा देखने को मिलेंगे, उस तरह के ये जंगल हो गए। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। और तो और ठीक है। अब ये देखो, ये बीच में जो आपको ये वाइट वाइट एरियाज दिख रहे हैं, ये मार्शी एरियाज हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे ये सारा। तो ये बिल्कुल दलदली इलाका है बिकॉज ये जितने भी हाइलैंड्स हैं ना, ये हाइलैंड्स हैं ना, ये सारे प्लेट्यू हैं, तो ये प्लेट्यू की ढलान इस तरफ है, तो जितना भी पानी है वो इधर आकर के दलदल बना लेता है। और बारिश के टाइम में जब मानसून आता है, मतलब जब रेनी सीजन आता है, तो बिल्कुल फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाती है। बहुत मार्शी एरिया है यहाँ पे, लोग रहते भी बहुत कम है इस वजह से, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाले वेजिटेशन एक बार मैप पे समझा दिए हैं, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। रियली होप समझ में आ गया होगा। ग्रासलैंड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड ये सेमी ड्राई या सेमी एरिड फॉरेस्ट, यहाँ पे बीच में इस जगह पे मार्शेस, मार्शेस, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, और बाकी जो देखने अब दो ही चीज़ें बची, एक ये पैम्पास बचे और ये नीचे पैटागोनियन डेजर्ट या पैटागोनियन स्टेपीज बचा, ये दोनों टेम्परेट में पढ़ेंगे हम, ये दोनों टेम्परेट ग्रासलैंड में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये जो भी कुछ था ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो पैम्पास की भी लोकेशन समझ में आ रही होगी, ये पैराग्वे पराना वाला जो पूरा बेसिन है वो पैम्पास कहलाता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर होती है क्योंकि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड है, पानी ढंग से है, मार्शेस ज़्यादा नहीं बनते हैं, तो ये पूरी बेल्ट में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। और ये नीचे पैटागोनियन डेजर्ट है और उसी को पैटागोनियन स्टेपीज भी बोलते हैं, सेमी एरिड है, यहाँ पे भी श्रब्स होती हैं, ओवर ग्रेजिंग बहुत होती है जिसके चलते और ठंड के चलते ये डेजर्ट बन चुका है। अब यही सारी बातें हमको पढ़नी है, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। चलो अब आ जाओ, तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में लानोस। लानोस ईस्ट ऑफ एंडीज इन कोलंबिया एंड वेनेजुएला, ये एंडीज हैं इनके ईस्ट में, ये कोलंबिया, ये वेनेजुएला, यहाँ पे ये पूरे फैले हुए हैं लानोस ग्रासलैंड्स। फिर हम आते हैं सेल्वास पे, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है अमेजॉन बेसिन का, ये पूरे हैं सेल्वास, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट अमेजॉन बेसिन। फिर हम आते हैं सिराडो, लार्जेस्ट सवाना रीजन है साउथ अमेरिका का, ये जो रहा, दिस इज द लार्जेस्ट सवाना रीजन ऑफ साउथ अमेरिका, कहते हैं इसको सिराडो, और ये सेंट्रल ब्राजील में पड़ता है, ठीक है। फिर आप आ जाओ काटिंगा, जैसे कांटे होते हैं ना कांटे, तो काटिंगा उससे याद रखिएगा, ये जो ब्राउन ब्राउन हिस्सा आपको दिख रहा है दिस इज काटिंगा, थॉर्नी स्क्रबलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, अब हम आ जाते हैं पहले ग्रैंड चाको, या चलो पहले पैंटनल दिखा देते हैं। जो मार्शेस मैंने कहा था ये पूरा ब्राजील वाला हिस्सा, और ये देखो ये जो ग्रीन हिस्सा आपको दिख रहा है फ्लोरेसेंट ग्रीन, दिस इज पैंटनल मार्शलैंड, मार्शलैंड है ये पूरा, ब्राजीलियन हाईलैंड हो गया, ये अमेजोन वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पे ये ग्रैंड चाको आ जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है हिस्सा, ये देखो किस तरह से पानी भरा हुआ है, बीच बीच में पूरा दलदली जैसा इलाका होता है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, रह नहीं सकते हो, खेती बाड़ी नहीं कर सकते हो। सो ये वेटलैंड है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड यहाँ पे है। सो इसको बोलते हैं पैंटनल, ऐसे आप देखो कि पांच जगह से नल खुले हैं, हर तरह से पानी आ जाता है, यहाँ से हाईलैंड से आ जाता है, यहाँ से अमेजोन से आ जाता है, तो पैंटनल, पांच नल खुले हैं, पैंटनल बोलते हैं इसको। सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिक वेटलैंड, ट्रॉपिक्स में जो वेटलैंड है उनमें से दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है, पैंटनल इन साउथ अमेरिका, और वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड भी है ये, फाइन। लोकेटेड है मोस्टली ब्राजील में, देखो ये ब्राजील वाला हिस्सा आ रहा है, ये देखो यहाँ यहाँ तक ये पूरा ब्राजील है ना, और थोड़ा सा हिस्सा इधर ये पैराग्वे में, और थोड़ा सा इधर ये बोलीविया और ये पैराग्वे, तो थोड़ा बोलीविया थोड़ा पैराग्वे, लेकिन मेजरली ब्राजील में है ये।
और एक्सटेंड इनटू बोलिविया एंड पैराग्वे। रफली 80% जो पेंटेनल है फ्लड प्लेन्स वो सबमर्ज्ड हो जाते हैं रेनी सीजन में। ये जो पूरा एरिया है रेनी सीजन में तो 80% पानी से लबालब हो जाता है। यहीं पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलो इंडिया के लार्जेस्ट वेटलैंड्स कौन से हैं? रामसर साइट्स जो हमने पढ़ी थी, रामसर वेटलैंड्स। सो इंडिया का लार्जेस्ट रामसर वेटलैंड कौन सा है? ये भी रामसर वेटलैंड है, ठीक है। चलिए फिर हम आते हैं ग्रैंड चाको। ये रहा ग्रैंड चाको, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये वाला हिस्सा ग्रैंड चाको आ जाएगा। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सेमी एरिड ड्राई ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट है, ठीक है। ट्रॉपिकल सेमी ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिक से थोड़ा दूर हो जाता है, ट्रॉपिकल फीचर भी दिखाएगा, थोड़े सेमी ट्रॉपिकल फीचर भी दिखाएगा। ड्राई है, सेमी एरिड है, यानी थोड़ा सा डेजर्ट वाला हल्का सा इसमें टच मिलेगा यहाँ के क्लाइमेट और वेजिटेशन में। और रियो देला प्लाटा बेसिन पे बना हुआ है, यहीं से वो सारी नदियाँ आ रही हैं, ये रहा वो सिस्टम पूरा, है ना। और यहीं इसी के बेसिन में, क्योंकि यहाँ से और भी रिवर्स ज्वाइन कर रही होती हैं, यहाँ पे ये बना हुआ है रियो देला प्लाटा बेसिन। बेसिन इसके वेस्ट में एंडीज है और ईस्ट में क्या है, पैराग्वे पराना रिवर सिस्टम है। सो बिटवीन एंडीज एंड पैराग्वे रिवर, पैराग्वे और एंडीज के बीच में है। आई होप यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। फिर हम आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स पे, और यहाँ हमको दो ग्रासलैंड्स पढ़ने हैं। मैंने बताया था एक हम पढ़ेंगे पैम्पास। पैम्पास टेम्परेट ग्रासलैंड है साउथ अमेरिका के, और उनको नाम मिल गया है पैम्पास। पैम्पास साउथ अमेरिका के लिए पर्टिकुलर है, पिक्यूलियर है, ओके। जो मैंने आपको बोला स्टेपीज, स्टेपीज एक जनरल टर्म है टेम्परेट ग्रासलैंड के लिए, लेकिन वहीं जब हम उनको नाम देते हैं पैम्पास तो वो पर्टिकुलर हो जाते हैं। साउथ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स को जो कि यहाँ लाए करते हैं क्या कहा जाता है, पैम्पास कहा जाता है। फर्टाइल साउथ अमेरिकन लोलैंड्स हैं, पराना पैराग्वे प्लेन्स में फैले हुए हैं, फर्टाइल हैं, यानी कि एग्रीकल्चर होगी। टेम्परेचर जनरली टेम्परेट नेचर है, लेकिन आप थोड़े नॉर्थ में जाओगे तो सब ट्रॉपिकल फीचर दिखाएंगे, थोड़े वेस्ट में जाओगे तो सेमी एरिड फीचर दिखाएंगे, क्योंकि एकदम से क्लाइमेट और वेजिटेशन चेंज नहीं होती, ट्रांजिशन होता है ना। तो आपको बीच में ट्रांजिस्टरी वेजिटेशन टाइप भी मिलेगी। प्रेसिपिटेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि बारिश जो होती है ठीक ठाक होती है और हर जगह होती है, पूरे साल होती है, तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है ये। ऑलराइट, देन फिर हम आते हैं पैटागोनियन स्टेपीज पे, जिनको पैटागोनियन डेजर्ट भी कहा जाता है, ये वाला रीजन। ऑलराइट देन, ओके, अब एक चीज समझना, पैटागोनिया जो रीजन है ना, जैसे ये पूरा पैटागोनिया रीजन है, तो उसमें थोड़ा सा चिली भी इंक्लूडेड होता है पैटागोनिया में, मेजरली अर्जेंटीना होता है, थोड़ा सा चिली का रीजन भी है। तो पैटागोनिया कोई कंट्री नहीं है, पैटागोनिया रीजन है, ठीक है। पैटागोनिया इज नो कंट्री, चिली कंट्री है, अर्जेंटीना कंट्री है, पैटागोनिया कंट्री नहीं है, पैटागोनिया इज अ रीजन। सो चिली, अर्जेंटीना और फॉकलैंड आइलैंड्स में ये बायोम देखने को मिलता है। चिली, अर्जेंटीना और फॉकलैंड आइलैंड्स में ये बायोम देखने को मिलेगा। सेमी एरिड है, कोल्ड श्रबी ग्रासलैंड्स हैं यहाँ पे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि डेजर्ट एरिया है, सेमी एरिड फीचर हैं, झाड़ियाँ वाड़ियाँ दिखेंगी यहाँ पे, पानी कम है, नदियाँ भी हैं थोड़ी बहुत, तो ग्लेशियर पे डिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वाटर्स नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा होने से डेजर्ट है, और ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी डेजर्टिफिकेशन है। ओवर ग्रेजिंग बहुत बड़ी यहाँ की प्रॉब्लम है। जो शीप हैं, मरीनो शीप जो हैं, जो मरीनो वूल पैदा करती है, मरीनो वूल ये बहुत हाई क्वालिटी वूल है, साउथ अमेरिका से प्रोड्यूस होती है, और उसके चलते यहाँ पे शीप पाली जाती हैं और वो ओवर ग्रेजिंग करती हैं, जिसकी वजह से भी डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है। इसके लिए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, बट अभी तो अफेक्टेड एरिया ही है। अब लास्टली इन द सेंस कि अब नेक्स्ट स्लाइड पे, सेकेंड लास्ट है ये, इसके बाद आई थिंक हमारा लेक्स रह जाएगा, ठीक है। सो डेजर्ट की हम फटाफट बात करते हैं। एक हमने देखा पैटागोनियन डेजर्ट, पैटागोनियन स्टेपीज या पैटागोनियन डेजर्ट एक ही बात है, कोल्ड डेजर्ट है ये, नीचे है, कोल्ड डेजर्ट है, टेम्परेट है, सेमी एरिड श्रबी ग्रासलैंड है, अर्जेंटीना में मेजरली लाया करता है, थोड़ा सा चिली के बॉर्डर पे आता है। लार्जेस्ट डेजर्ट है साउथ अमेरिका का, एक आटाकामा डेजर्ट हमने देखा, अभी देखेंगे वापस, और एक हम देखते हैं पैटागोनियन डेजर्ट। ज़्यादा बड़ा कौन सा है? पैटागोनियन डेजर्ट बड़ा है, 8th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में भी, ओके। फिर हम आते हैं आटाकामा डेजर्ट पे। अब देखो आटाकामा डेजर्ट ये रहा, मेजरली चिली में लाया करता है, थोड़ा हिस्सा बोलीविया, थोड़ा सा अर्जेंटीना, थोड़ा सा पेरू में एक्सटेंड होगा, बट मेजरली ये कहाँ लाया करेगा? चिली में, है ना। और ये पूरा बोलीवियन प्लेट्यू है। आटाकामा डेजर्ट भी कोल्ड डेजर्ट है, मेजरली चिली में लाया कर रहा है, वेस्ट ऑफ एंडीज, ये पूरे एंडीज हैं एक्चुअली वेस्ट ऑफ। अब ये देखो यहाँ पे ना चिली की
कोस्टल रेंजेस आती हैं, चिली की ही कोस्टल रेंजेस यानी पहाड़ियां हैं कोस्ट में, और यहाँ पे एंडीज आते हैं और उनके बीच में यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट बनता है बिकॉज दोनों साइड से ही रेन रुकती है बीच में आने से। और ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट है इन द वर्ल्ड का, दुनिया की सबसे सूखी जगह, ड्राइएस्ट जगह पोल्स के अलावा अगर कोई है तो वो अटाकामा डेजर्ट है। और यहीं पे आपका आखिरी सवाल आता है इस वीडियो में, शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? कंट्री मत दे दीजिएगा। ब्राजील में कोई जगह है जिसे शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं? जल्दी से बताइए, विच इज दैट प्लेस और रीजन विच इज नोन एज शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड। पहले क्यूबा था बहुत समय पहले, अब चेंज हो चुका है, कौन सी जगह है डू लेट मी नो। अब हम आते हैं हमारी लास्ट स्लाइड पे, विच इज लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका। और लेक्स में भी एक खास बात है कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पे नेविगेबल लेक अगर कोई है जिसमें हम नेविगेट कर सकते हैं, बोट्स चला सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या उसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं खुद को, तो वो है, कौन सी लेक है? लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका एंडीज में पड़ती है। ये रही लेक टिटिकाका की पोजिशन, बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पे ये पड़ती है। एंड लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक ये है 3810 मीटर्स की, और हाईएस्ट नेविगेबल लेक है पूरे वर्ल्ड की, और एक्सपैंडेड फॉर्म व्यू आपको यहाँ दिख रहा है। नाउ यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आ सकता है, एक लेक आपको सुनने में शायद मिलेगी विच इज़ कॉल्ड लेक माराकाइबो, लेक पूपो भी एक लेक है बोलीविया में, इसको भी ध्यान रखिएगा, लेक माराकाइबो। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि हालांकि इसका जो एरिया है लेक माराकाइबो का वो लेक टिटिकाका से काफ़ी बड़ा है, लेकिन लेक माराकाइबो रियल या एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में लेक नहीं है, ये एक टाइडल बे है। अब देखो ये वेनेजुएला में पड़ती है, वेनेजुएला है यहाँ पे, गल्फ ऑफ वेनेजुएला आ जाता है, हाँ ये तो मैंने आपको बताया नहीं, वेनेजुएला के ऊपर गल्फ ऑफ वेनेजुएला है, ये वाली पोजिशन है ना। और यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज़ कॉल्ड लेक माराकाइबो, लेकिन यहाँ आप ये देखो इट इज़ ओपन है ना, तो ये टाइडल बे है, टाइड्स जब होते हैं तो यहाँ पानी आ जाता है और हाई टाइड में और भर जाएगा, लो टाइड में थोड़ा कम होगा, लेकिन यहाँ पानी भरा रहता है और ये टाइडल बे है उसकी वजह से पानी यहाँ रहता है, लेक बंद होती है ना। सो इट इज़ नॉट अ ट्रू लेक, इट इज़ अ टाइडल बे, हालांकि एरिया में लेक टिटिकाका से बड़ा है, लेकिन क्योंकि ये हर तरह से लेक के पैरामीटर्स पे खरा नहीं उतरता इसलिए लेक टिटिकाका को लार्जेस्ट लेक कहा जाता है साउथ अमेरिका की। और ये जो लेक माराकाइबो है लेक ही लगता है इसके आगे बोलने के लिए, तो सो ये कहाँ पड़ता है? वेनेजुएला में पड़ता है, इम्पॉर्टेंट है ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन के तौर पे। वेनेजुएला की जो पूरी इकोनॉमी है वो ऑयल प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा टिकी हुई है, और ये जो लेक माराकाइबो है ये वाला जो पूरा एरिया है ये ऑयल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी मेजर थिंग्स इन दी ज्योग्राफिकल फीचर्स या फिजिकल फीचर्स ऑफ साउथ अमेरिका। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई होगी, देर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर सेल्फ स्टडी और ऑफ सेल्फ स्टडी, यानी कि आप कितना भी पढ़ लीजिए दूसरों से, मुझसे, किसी भी ट्यूटर से, कितने भी वीडियोस देख लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद बैठ के अपने आप पढ़ना नहीं शुरू करेंगे, अपने नोट्स नहीं बना रहे हैं या फिर बुक से नहीं पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी तरह से नहीं पढ़ रहे हैं, आप खुद जब तक बैठ के अपना दिमाग लगाना शुरू नहीं करेंगे, रिवाइज करना शुरू नहीं करेंगे, अप्लाई करना शुरू नहीं करेंगे चीज़ों को, तब तक कोई भी वीडियो, कोई भी ट्यूटर कुछ भी मैजिक नहीं कर सकता। सो कीप लर्निंग एंड कीप इंडल्जिंग इन टू सेल्फ स्टडी, ये सारे वीडियोज़ और हम सब आपकी पढ़ाई का एक हिस्सा होने चाहिए। आखिरी मेजर पढ़ाई जो है, चैलेंज जो है, वो आप ही के ऊपर हमेशा रहेगा, रिजल्ट लाने का भी और परफॉर्म करने का भी। सो हमारे साथ और आपकी मेहनत से वी विल मेक इट पॉसिबल, एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टडी हार्ड। टाटा।